What's up guys, Sanjot Kir here. Welcome back to BB Now Presents Chef It Up Season 2. And for today's episode, I am with a very talented music producer, composer. He's a viral content making machine. Mera dost, the one and only Yashraj Mukhade. Hi sir. Hello. Welcome to the YFL kitchen, brother. Thank you so much. Yashraj, ये एक बहुत ही fun series है जिसमें हम साथ में खाना बनाते हैं, बहुत मजा आता है. And by the end of this episode, one lucky viewer is going to get a chance to win a giveaway worth 25,000 rupees. Wow. So guys, video end तक देखना. Yashraj, are you ready to chef it up? Yes, I'm ready. Let's do this. स्टार्ट करने से पहले हमें इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर करने हैं जो मैं हमेशा बीबी नाउ से ऑर्डर करता हूँ. बिग बास्केट हैज एन इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस कॉल्ड बीबी नाउ और ये बस 15 से 30 मिनट में इंस्टेंट डिलीवरी करते हैं. बीबी नाउ से आप क्वालिटी कुकिंग एसेंशियल्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक स्टेपल्स, स्नैकिंग एसेंशियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, गॉर्मे मीट एंड मच मोर ऑर्डर कर सकते हो एट द लोएस्ट प्राइसेस एंड माई ग्रोसरीज गेट डिलीवर्ड इन टाइम एवरी टाइम जस्ट विद इन 15 to 30 मिनट्स. तो यशराज, हमारे इंग्रेडिएंट्स आ गए एकदम फटाफट. ओके, आज हम बनाने वाले हैं मसाला डोसा और मेदू वड़ा. मैंने कभी जिंदगी में कुछ नहीं बनाया. नहीं बनाया यार, हमने बटर चिकन साथ में बनाया, कैसे भूल सकते हो. तो ये भी बहुत अमेजिंग बन जाएगा. तो मुझे आपको फॉलो करना है बस. हाँ, बस फॉलो करना है. बस एक छोटा सा ट्विस्ट है गाइस. ले आओ. क्या ट्विस्ट है? क्या बिना देखे बनाना है? हाँ? अरे आपने बोला साथ में बनाएंगे तो मुझे लगा साथ में बनाएंगे. साथ में ही बना रहे हैं, बस ये पर्दा बीच में है. आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता. आपको मेरा हर एक इंस्ट्रक्शन क्लियरली सुनकर हर एक चीज बनानी है. योर ईच कंपोनेंट शुड बी राइट. आपकी डिश एकदम परफेक्ट टेस्ट करनी चाहिए. एंड बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड आवर डिशेस शुड लुक द सेम. देयर आर नो विनर्स और लूजर्स ओवर हियर. यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड शेफ इट अप एंड वी विल सी इफ यू कैन कैच अप विद माय स्पीड. ऑलराइट ऑलराइट. पहला कंपोनेंट मसाला डोसा के लिए मसाला बनाना है. गैस स्विच ऑन कर दो. आ गया. तेल डाल दो 1 to 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल. मसाला बॉक्स पड़ा है ना वहाँ पर, उसमें से राई जो है. ठीक है भाई, राई कैसे कर लेता हूँ. राई और जीरा में थोड़ा कंफ्यूज. राई मतलब छोटा वाला ना वो. हाँ, गोल 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 ना. हाँ, हाँ, ओके. थोड़ा सा राई उठा के डालो. हाँ. उसके बाद उड़द दाल डालने का है. हाँ, फिर चना दाल. एक मिनट फिर काजू. एक मिनट भाई, ये शेफ इट अप है, यू हैव टू शेफ इट अप. अरे मैं कुछ गलत बन जाएगा ये. उसके बाद ड्रॉवर में से एक स्पैचुला ले लो. स्पैचुला कौन सा होता है भाई? वो है ना काला रंग का. हाँ, ओके, गॉट इट. आप वो बोलो ना, काला चम्मच, नीला चम्मच, ऐसे बोलो. अभी इसके अंदर गार्लिक डाल देना, लहसुन डाल दो. स्पैचुला कहाँ रखना? अदरक. कौन चिल्लाए? मम्मी. और उसके बाद कड़ी पत्ता. कड़ी पत्ता डाल दिया. इसके बाद इसमें डालना है प्याज. हमको प्याज को थोड़ा सा भूनना है ताकि वो ट्रांसलूसेंट हो जाए. मेरे को लग रहा है मेरा जलेगा नहीं. नहीं है, अगर लग रहा है ऐसे थोड़ा जल रहा है ना, फ्लेम कम कर देता हूँ थोड़ी. देखो अभी कुकिंग आना शुरू हो गई है. अभी इसके अंदर जो 4 आलू हैं, हाथ से ऐसे एकदम रफली क्रश करके ऐड कर दो. ऐसे करके डाल दूं ना सिर्फ? ऐसे करके मेरे को दिख नहीं रहा है. ओह सॉरी. अभी टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करो. किसके टेस्ट के हिसाब से? अपने टेस्ट के हिसाब से. 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर. हम थोड़ा स्पीड कम कर सकते हैं क्या सर? स्पीड बिल्कुल कम नहीं कर सकते क्योंकि ये वाला जो है वो इजी पार्ट है. ओ, कड़ी पत्ता ना मैंने वो कड़ी के साथ ही डाल दिया. वो ऐसे ही डाल दिया? हाँ, मतलब ऐसे करना था ना, मुझे बाद में अभी याद आया. अच्छा अच्छा. एक मिनट, सॉरी. मजा आ रहा है मेरे को आज. जो शक्कर पड़ी हो शक्कर डाल दो और साथ ही में इसमें कोथिंबीर डाल दो, धनिया. मसाला डन हो गया बॉस. हम लोग को अभी डोसा बनाना है. डोसा तक तो मैं मास्टर हूँ. गैस ऑन कर दो. ऑन कर दिया. फिर पानी डाल. एक मिनट, मेरा गैस ऑन नहीं हुआ. एक मिनट, थोड़ा गैस हो गया. एक मिनट रुको थोड़ा. डोसा बैटर हमारे पास रेडी है जो मैंने बीबी नाउ से ऑर्डर किया हुआ है. बीबी नाउ हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू चूज फ्रॉम फॉर एनी कुजीन, बी इट साउथ इंडियन कुजीन, इटालियन हो, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, जो कुजीन बनाना हो एकदम फटाफट बना सकते हो और बीबी नाउ से बस 15 से 30 मिनट में आपके घर पे पहुंच जाएगा. अब इसके ऊपर पानी छिड़कना है और एक नैपकिन ले लो. वो जो स्टीम है ना वो कभी कभी हाथ पे रखता है तो थोड़ा ध्यान से वो पानी को पोंछ दो. पानी को पोंछ दूं तवे पर से? नैपकिन यूज करके, हाथ से नहीं. हाँ नहीं नहीं, ऑफ कोर्स. मैं बेवकूफ नहीं हूँ सर, बस खाना नहीं बनाया कभी. सॉरी भाई, सॉरी सॉरी. अभी क्या है, एकदम फटाफट होगा, ध्यान देना. अभी एक वाटी है, डोसा बैटर भरो वाटी के अंदर. वन फुल वाटी ऑफ डोसा बैटर इन बिटवीन, सेंटर में एकदम तवे के. हाँ. और थोड़ा सा बैटर और डाल दो, 1/4 जितना. वाटी को पकड़ के वाटी के बॉटम से
ऐसा गोल 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 डोसा बनाना है। ऐसे मैंने डोसा बैटर कम लिया है, लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट बैड। पता नहीं मेरा दूसरा हाथ क्यों ऐसे ऑकवर्ड। डोसा का आपका जो साइज है ना, हाँ, वो थोड़ा सा ऐसा पूरा तवा कवर करना चाहिए। तो मुझे बैटर और डालना पड़ेगा क्या? अभी नहीं डाल सकते हो बैटर। ओ शिट, एक काम करो, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इसको थोड़ा पकने दो कि आसानी से निकल पाए, ठीक है, और फिर से बनाओ। उल्थाना करने का ना यूज, उल्थाना बोलते हैं हम। उल्थाना, हाँ वही, पलटा। निकाल दो उसको, साइड पे रख दो और एक डोसा बनाओ। थोड़ा पानी डालो, पोंछो इसके ऊपर। अभी थोड़ा सा घी डालना है। मैं आगे का डाल रहा हूँ, मैं फटाफट बताऊंगा आपको फिर से। भाई मेरे को सच में स्ट्रेस हो रहा है अभी। एक बार बन गया ना, पूरे डोसे पे अच्छे से घी लगा दो। ऐसा पोर करो घी को अच्छे से। घी डाल दिया, उसके बाद गन पाउडर पड़ा है वो लाल कलर का, पूरे पे स्प्रिंकल कर दो। हाँ। अब बीच में मसाला डालो। I'm quite good actually. मुझे नहीं लगा था इतना आएगा मेरे को। भाई मेरा डोसा जल जाएगा इस चक्कर में। एक मिनट, मेरा उल्थन चिपक गया है। क्या हो गया? मेरा उल्थन चिपक गया। वो इसको डोसे को पहले वाले को, इसका हमको एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल कैसा होएगा? अभी सर्कल का डोसा सर्कल है तो हाँ, एक साइड से ऐसा थोड़ा सा फोल्ड करोगे ट्रायंगल कस भैया तक, और दूसरे साइड को भी एकदम परफेक्टली फोल्ड किया तो एक ऐसे कोन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। दूसरा शेप नहीं चलेगा क्या थोड़ा? भाई अगर कुछ नहीं बन रहा है जलने वाला तो दूसरा शेप बना दो। ये देखो एकदम परफेक्ट ट्रायंगल बन गया। हाँ नहीं, अभी मेरा बहुत सही वो बना है। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा, ये बहुत सही बना है मेरा। प्लेट ले लो जिसपे केले का पत्ता है, और उसपे एकदम आराम से आपको इसे फ्लिप कर देना। Now it's time to see if you have been able to chef it up or not. बढ़िया दिख रहा है मेरा तो। अच्छा ये ट्रायंगल आप ऐसे बोल रहे थे, इसको नहीं देखते फिर, हो गया। We'll see you in the next episode, I think. नहीं, see you in the next episode नहीं, मेदू वड़ा बनाना है भाई। I have one and a half, you have only one. So basically I won. भाई क्या बनाया? व्हाइट कलर के डोसे पहली बार देख रहा हूँ। एक मिनट देखो, यहाँ पे ये जो ब्लैक स्पॉट है गाइस, दिस इनकंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे पूरा व्हाइट, पूरा व्हाइट, पूरा व्हाइट। बट ये पहली बार देखा है मैंने कि डोसे जिससे बना है आटे के साथ, वो वाटी भी प्लेट के अंदर रख दी है भाई ने। ओह दैट इज द इनोवेशन। जो आप बनाते हो मुझे खाना पड़ता है। अरे ये बढ़िया है, फॉर्मेट में सबसे बढ़िया चीज ये है कि मैं बनाऊंगा आप खाओगे। स्विच कर लेते हैं, क्या सॉफ्ट डोसा बना है। इडली लग रही है ये। नहीं नहीं, आटे में नहीं डूबा। मसाला बहुत ही अमेजिंग बना है। रेट ऑन 10, 10 ऑन 10 फॉर द मसाला। ओके, बहुत ही एकदम परफेक्टली सीजन है। मैं डोसे के टेक्सचर पे नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि वो तो 10 ऑन 10 है ही, वो 11 ऑन 10 है भाई। Correct. आप भी टेस्ट कर ही लो ना अपना वाला। नॉट बैड बट, और एक रेसिपी हमको बनानी है। We have tried for the first time. Dosa पहली बार बनाया। For that, I'll give you full marks. मेदू वड़ा बनाना है। सही बनाएंगे मेदू वड़ा। एकदम मेदू वड़ा perfectly. Done है। तो चटनी बनाने के लिए पहले नारियल तोड़ना है। बोल एक नीचे रख दो कि जब ये टूटेगा तो पानी उसमें गिर जाए। ठीक है। अभी नाइफ लेनी है। हाँ। बहुत ध्यान से नाइफ का जो शार्प वाला ऐसा है ना, उससे नहीं मारना है। हाँ। उसके पीछे से, बैक ऑफ द नाइफ। ओके। ध्यान से, नाइफ शार्प है। ओके। भाई अगर नाइफ से नहीं टूट रहा है ना, अप टू क्या? हाँ वो भी कर सकते हो। नीचे जमीन पे अप टू क्या? सच में? हाँ चलेगा। श्योर ना? हाँ। टाइल टूट गई। नहीं 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 नहीं, टूटी टाइल। टाइल ही तोड़ दिया। नहीं टाइल पहले से टूटी हुई थी। भाई दे मैं करता हूँ। नहीं मरूंगा मैं, मरूंगा नहीं। अब देखो उधर एक ग्राइंडिंग वाला ऐसा कुछ रखा हुआ, ऐसा उसमें ऐसा हैंडल है। ओके ओके समझ गया। उसको जब भी ऐसा ट्विस्ट कर दोगे ना तो वैक्यूम में नीचे वो पकड़ लेगा। ओ अच्छा अच्छा समझ गया। और वो ऐसा उसके अंदर डालना है उसको। कोबरा उसको किसने का है? हाँ समझ गया समझ गया। तो इसको भी गोल गोल घुमाना है। एक मिनट, हाँ हो गया हो गया। एक मिनट पीड़ू, ऐसा आइटम मत लाओ मेरे सामने। मावशी नारद। तो हो गया ग्राइंड, मेरा तो हो गया। यहाँ पर मैं फटाफट चेक करता हूँ, नहीं तो दो दिन लगेंगे मैं बनाने में। हाँ ये थोड़ा लग गया। कुछ नहीं निकला है ये। मैं करता हूँ, चलो आप पकड़ो उसे। हाँ 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 ओके। दूसरी टाइल भी गई। अब निकला भाई। हाँ दो लोग का काम है एक्चुअली। चलो अब क्या करना है, ये स्क्रेपर से नारियल उठा के अपने को डाल देना मिक्सर ग्राइंडिंग जार में। अभी इसके अंदर जो भुनी हुई चने की दाल है वो डाल दो, साथ ही में हरी मिर्च। एक मिनट रुको थोड़ा यार। हाँ हो गया, हो गया, डन। थोड़ी सी काली मिर्च ग्राइंड करके डाल दो उसमें। ऐसे कैसे? वो जो सॉरी मशीन है ना उसको उल्टा करना। हाँ मैं चेक कर रहा था कैसा चलती है। उसको उल्टा कर दो बस। अच्छा ओके ऐसे ही क्या चलता है वो? ओह ये प्लीज काट देना मेरा डमनेस पूरा, प्लीज हटा देना यार।
नमक अभी भाई तेजी पकड़ रहे हैं, नमक हाँ नमक डालना है, ठीक है। नमक डालने के बाद इसमें पानी डालना है, मिक्सर ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल के उसको ट्विस्ट करना है, एक आवाज आएगी, ट्विस्ट करके लॉक हो गया। और ये चलो चटनी ग्राइंड हो गई, चटनी हाँ। को निकालना है। ये बहुत अच्छा बना यार, ये तो परफेक्ट चटनी इज रेडी, मस्त बन ले। गैस को ऑन कर दो, पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालना है, थोड़ा सा तेल को गर्म होने देना है। मैं तब तक आपको एक वो गैस करने बोलूं कि आप गैस कर पाओगे बीजीएम? हाँ हाँ, टक 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 टक, ये पता तो है मेरे को, सुना है आपने? हाँ सुना तो है। प्यार किया तो डरना क्या, करेक्ट, जल्दी आ गया आपको यार। तकड़ दूं तकड़ दूं ये मामू मुन्ना भाई ये वाली शिवाजी द बॉस, मजा आ गया। चलो तेल भी हो गया गरम, इसमें राई जाएगी, राई के साथ दोनों दालें, थोड़ा सा कुक करना है दाल को, लाल मिर्च, लाल मिर्च और कड़ी पत्ता। लाल मिर्च यहाँ दो दो है, हाँ डाल दो कड़ी पत्ता डालकर। अभी ये जो तड़का है ना, तड़के को चटनी के अंदर, चटनी मत डाल देना तड़के में। हाँ हाँ गया, हाँ गया गया, हाँ तड़के को अच्छे से मिक्स कर दो चटनी के साथ। एक्चुअली मेरी दाल शायद जल चुकी है वो भी खाने में पता चलेगा भाई। नहीं नहीं मुझे पता चल गया, जली हुई दाल वाली चटनी खाएंगे आज हम आखिरी चीज बनानी है, मेदू वड़े बनाने हमें। गैस को स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दिया। अभी विस्क लेना है, क्या लेना है? रिस्क नहीं लेना है, विस्क लेना है भाई। हाँ। और जो बैटर है उसको फेंटना है अच्छे से, ठीक है। सही कर रहा हूँ ना भाई, थोड़ा और मेहनत। ये बैटर पता है चेक कैसे करना है, ऐसे बैटर को पूरा बोल को उल्टा कर देना है, वो बैटर गिरना नहीं चाहिए भाई, ये गिरेगा। टेस्ट के हिसाब से नमक साथ ही में हींग का पाउडर, स्पून यूज करके एकदम लाइटली स्टर करना है, वो हवा जो है निकल नहीं जानी चाहिए बैटर से। यू आर राइटी, यस। अपना राइट हाथ जो पानी है उससे गीला कर दो अच्छे से एकदम, ओके। अभी थोड़ा सा बैटर जो है वो स्कूप आउट करना है और उसको ट्राई करना है ऐसा हल्का हल्का शेप करने को, समझ गया। अंगूठा भी पानी में डिप करना है या दूसरी उंगली को डिप कर दो पानी में, बीच में एक होल बनाओ और केयरफुली उस वड़े को तेल के अंदर छोड़ दो। हाँ। और सेम प्रोसेस करना है, थोड़ा फ्लैट करना है वड़े हाँ, को हाँ। बीच में होल करना है और फिर तेल में छोड़ देना है। ओके। मैंने चार वड़े डाल दिए क्योंकि मुझे एक वड़ा का शेप पसंद नहीं है। मैं तीन, I'll go for three. हम लोग तीन प्लेट करने वाले हैं। हाँ, एक okay. दो और बनाने तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरा स्ट्रेस इतना ही हैंडल कर सकता हूँ। अच्छा, इतना ही। हाँ, एक तो अपने आप वो फ्लिप हो गया गलती से, सॉरी। हाँ, तो फ्लिप करना ही है। कर दूं सारे? हाँ, सारे कर दो। और वड़ों को अभी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये आई थिंक दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग आई डिड टुडे। मेरे हिसाब से सक्सेस का मोमेंट आपका वो था जिसमें आपने आटे वाली वाटी जो है वो डोसे वाली प्लेट में छोड़ दी थी। दिस इज लुकिंग वेरी नाइस नाउ, जो कलर उसका वैसा आ गया और वो फ्लोट हो रहा है, मतलब हमारा अच्छा बना है। Yes. अगर डूब जाए तो नहीं बना है अच्छा, राइट? यस, सीख गया। यशराज को एपिसोड के एंड तक कुकिंग आ गई है अभी। Yeah. फिर उसको केयरफुली वड़ों को आपको निकालना है, तेल से अच्छे से छान लेना है और उन वड़ों को आपको बाहर छन्नी में डाल देना है। बढ़िया कलर लग रहा है। जो आपके सबसे बेस्ट तीन मेदू वड़े हैं, हाँ। उन्हें आपको प्लेट करने, मैंने एक मेदू वड़ा रखा उसके हाँ। सारे से थोड़ा टिल्ट, समझिए समझिए। मैंने आपके वीडियोस देखे सर, मैंने आपके वीडियोस देखे। जो चटनी हमने बनाई है वो दूसरे बोल में डाल दो। ये तो अच्छा लग तो रहा है अच्छा। पर चलो डन, मेदू वड़े बन गए। लेट्स सी यशराज इफ यू हैव बीन एबल टू शेफ इट अप और नॉट। 3, 2, 1 लेट्स गो। ओहो सही बनाया, कलर तो एकदम परफेक्ट आया है। तो चटनी में मिर्ची का है? नहीं है। क्यों? क्यों आपने मिर्ची बोली तो मैंने लाल मिर्च डाल दी थी उसमें। पाउडर डाल दिया? हाँ। मैं पाउडर नहीं डालनी थी, ये वाली डालनी थी गोल वाली। इसको टेस्ट करना पड़ेगा। खाली होल्स में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। पहले वाले में छोटू सा होल है जो दोनों साइड से दिख रहा है। Yes. दूसरे वाले में एक साइड से होल दिख रहा है और दूसरे साइड से नहीं दिख रहा है और तीसरे वाले में है ही नहीं। बट कलर परफेक्ट है, कलर परफेक्ट, फूले एकदम परफेक्टली है, फ्राइड परफेक्टली। सो रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। टेस्ट करने की बारी है। डन, स्विच करते हैं। मेदू वड़ा टेस्ट, बीच वाला होल वाला परफेक्ट, परफेक्टली फ्लफी है ना? सही बना, एकदम परफेक्ट, परफेक्ट टेक्सचर। ठीक है, चटनी के साथ खाएंगे, परफेक्ट। और चटनी में कोई स्ट्रेस ही नहीं है। मैं करूं टेस्ट? हां करो। चटनी इज परफेक्ट, इट परफेक्ट, नॉट बैड यार, नॉट बैड। विद दिस प्लेट you have chefed it up and thank you so much for coming to the YFL studio. Bahut maza aaya aapke saath aaj. I had a lot of fun. Main zindagi mein kabhi kuch nahi banaya, aaj first time banaya.
और सही बना यार, बहुत सही बना है, मजा आ गया। और एक चीज जो हमारी बच गई है यशराज इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, ओके, व्हिच इज द बीबी नाउ गिव अवे कॉन्टेस्ट। हमारे एक लकी व्यूअर को 25,000 रुपीज का बीबी नाउ का वाउचर मिलने वाला है, जो चाहिए आपको मंगा सकते हो और आपके घर पे 15 से 30 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। गिव अवे में पार्ट लेना बहुत आसान है। स्टेप वन, इस वीडियो को लाइक कर देना है। स्टेप टू, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि इस एपिसोड का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। और स्टेप थ्री है, आपको बिग बास्केट ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। डाउनलोडिंग द बिग बास्केट ऐप एंड रजिस्टरिंग ऑन इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही प्रोफाइल में आपका 25,000 का वाउचर क्रेडिट होगा इफ यू विन दिस गिव अवे। डेडलाइन से पहले पार्ट ले लो। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी योर एंट्रीज और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है वाउचर आपको देने में। Share this video with your friends and family, guys. I hope you had fun. Get your groceries delivered within 15 to 30 minutes from BB Now by Big Basket. Download the Big Basket app and shop now. I hope you had fun, guys. Badhiya. Perfect, Medu Vada. Ban gaya ekdam.